अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप लोग देख रहे हैं उस्मान मुस्लिम। हमारी आज की वीडियो अमल फेलोशिप पे होगी और इस वीडियो में हम देखेंगे हम इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मैंने खुद जो है मैं खुद अमल का एलुमनाई हूं, ठीक है। मैंने खुद 2019 में मैंने जो है वो ये फेलोशिप की थी USA जाने से पहले, तो इस फेलोशिप ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया था इंटरव्यू में। और हम देखेंगे कि इस पर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या होंगे, ठीक है, फ्यूचर में और अभी भी, और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ेगी आपको, और अगर ये स्कॉलरशिप पे भी होगा तो फिर कौन आपकी स्कॉलरशिप को बेयर करेगा, स्पॉन्सर करेगा। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ सब्सक्राइब करें, ठीक है, सबसे पहले जाके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जिस तरह आप देख सकते हैं कि इंटर्नशिप जो हैं वो अपलोड कर रहा होता हूँ मैं, डिफरेंट जो भी फेलोशिप्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, फ्री कोर्सेज हैं। उसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हर किसी चीज़ का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ कि हम इस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो अमल फेलोशिप है, ठीक है, कैरियर प्रेप फेलोशिप जो है ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और पेप्सिको, जो पेप्सिको कंपनी है उन दोनों की तरफ से जो है ये समझ लें कि 3 मंथ्स की होती है। अभी क्योंकि कोविड है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। कोविड से पहले क्या होता था डिफरेंट इस यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी में, UET में, अमल का जो इनका मेन कैंपस है, जो इनका ऑफिस है वहाँ पे भी, ठीक है, तो हर जगह पे जो है इनकी क्या होते थे फेलोशिप्स होती थी, क्लासेस होती थी सैटरडे और संडेज को, और जिसमें ये लोग काफ़ी ग्रूमिंग, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और इंसान उसे काफ़ी ज़्यादा सीखता है, कम्युनिकेशन के रिलेटेड डिफरेंट जो है अमल टीचेबल है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी कि आपने रेज्यूम कैसे बनाना है, आपने अपनी CV को किस तरह बेटर करना है, कवर लेटर कैसे आपने लिखना है, आप कैसे जो है वो एक स्टेप आगे रह सकते हैं बाकी कैंडिडेट से। जो ये वाली स्कॉलरशिप, ये जो फेलोशिप है, ये मोस्टली मैं तो यही कहता हूँ कि 80-90% इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है जॉब पे, कि आपने अगर जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने आप को एक बेटर वर्जन में, ठीक है। इसके लिए अब ये स्टूडेंट्स अप्लाई कौन से करते हैं और कौन किन स्टूडेंट्स को ये मोस्टली जो अमल है वो सेलेक्ट करता है, जो अपने 3rd ईयर में होते हैं या जो अपने लास्ट ईयर में हो जाते हैं या जो रिसेंट ग्रेजुएट होते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो है अमल, मोस्टली अमल उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है, ठीक है, 99% उन स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे आप पढ़ सकते हैं कि 3rd ईयर फाइनल, रिसेंट ग्रेजुएट, एनीवन इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग देयर कैरियर। अब जो स्टूडेंट्स जो हैं वो CA से हैं या कोई भी, इवन के मुझे याद है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी थे, ऐसे स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है, जिनकी एज 35-36 ईयर्स भी थी, ठीक है, तो वो लोग भी आए हुए थे। तो जिस आप तो इसमें देख सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल जो होती हैं मोस्टली उस पर जो है वो लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें बाकी आप देखेंगे कि वर्ड्स ऑफ वर्ड में क्या लिखा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट, ठीक है, कि आपको हर तरह की चीज़ें जो है वो सिखाई जाएंगी, और टाइम जो है वो 3 मंथ्स का है, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ़ी जो है वो, इसकी जब ये स्टार्ट में आया था तो इसकी फ़ीस जो थी वो थी 40,000, ठीक है, 40,000-35,000। अगर आप जो है वो फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करते थे, ठीक है, तो फिर आपको फ्री हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से मैंने स्टार्ट की थी 2019 से, जो पेप्सिको है, पेप्सिको स्पॉन्सर कर रहा है इस फेलोशिप को, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2000 फी जो है, वन टाइम फ़ी आपको ये पे करनी है, और अगर आप ये 2000 पे करेंगे, और मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि ये जो 2000 होंगे आपके ये ज़ाया नहीं होंगे, ठीक है, ये समझ लिया कि आपकी अपने आप ही इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो बाद में आप उनको इन्जॉय कर सकते हो, ठीक है। अभी जिस तरह मैं अपना आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ
मैं काफी देर से अप्लाई कर रहा था डिफरेंट जॉब्स के लिए, ठीक है। देन मैंने क्या किया, मैंने अमल टीचेबल को दोबारा ओपन किया, वहां से जो रेज्यूम कैसे बनानी है, कवर लेटर कैसे लिखना है, वो सेक्शंस को मैंने दोबारा पढ़ा, ठीक है। और देन मैंने अपडेटेड वर्जन बनाया अपने रेज्यूम का और अपने कवर लेटर का, और मैंने अब जैसे ही अप्लाई किया और तो मुझे विद इन 2 या 3 आवर्स में कॉल आ गई थी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। मतलब कि ये आपके लिए फिर है कि जो टीचेबल्स होते हैं जहाँ पे आपके लेक्चर्स पड़े होते हैं एक्चुअली, उनको आप लाइफ टाइम के लिए आपके पास आ जाते हैं, आप कभी भी उनको सुन सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़े, ठीक है, आप उनको देख सकते हो। अब इसमें सर वैस, ठीक है, ये मेरे प्रोग्राम मैनेजर थे जब मैंने फेलोशिप किया थी। तो उसके साथ साथ अभी फॉर्म को फिल आउट करने से पहले एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है कि बाद में क्या फ़ायदे होते हैं इसके, ठीक है। बाद में इसका ये फ़ायदा होता है कि अभी जिस तरह पेप्सिको की इंटर्नशिप आई हुई थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता होगा, तो अमल जो है अमल और पेप्सिको का कोलेबोरेशन है, ठीक है। तो पेप्सिको ने सिर्फ और सिर्फ अमल के जो ग्रेजुएट्स हैं या अमल में जो अभी कर रहे थे 500 स्टूडेंट्स उनको सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो रोशन कल, ठीक है, और जो हमारा वो था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, मगर जो पेप्सिको ने अमल के ग्रेजुएट जो थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, पेप्सिको इंटर्नशिप के लिए, जो कि बहुत जल्दी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको एक एज मिल जाता है डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए। पेप्सिको आपको हमेशा जो है वो एज देगा, पेप्सिको इंटर्नशिप करवाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पैसे भी देगा, ठीक है, आपको बाकी चीज़ें भी, और आपके पास एक जो है लेटर भी आ जाएगा, एक्सपीरियंस लेटर भी आ जाएगा पेप्सिको का, क्योंकि पेप्सिको जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है। तो जब आपके पास मल्टीनेशनल कंपनी का एक्सपीरियंस होगा तो आपको जो है वो डेफिनेटली आपको हर जगह पे फ़ायदा होगा उस चीज़ का। अब आप बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, अच्छा अप्लाई कैसे करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करें तो आपके पास ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसमें सिंपली आप लोगों ने क्या लिखना है, अपना ईमेल लिखना है, हम यही ईमेल लिख लेते हैं अपना, ठीक है। और देन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मजीद चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईमेल होगा, देन आपने नेक्स्ट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फुल नेम लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिस पे आपका व्हाट्सएप बना हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप वाला क्यों देना है, क्योंकि जब आप लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, तो उसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है, अगर आप यहीं पर दे देंगे। उसके बाद आप लोगों को अपना CNC लिखना है, ठीक है। देन आपको अपना जेंडर लिखना है, मेल फीमेल, ठीक है। देन आपको अपना जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, देन करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस। अब करंट इसलिए लिखनी है क्योंकि हाँ पहले तो इस तरह होता था कि आप लोगों को जाके जो है वो लेक्चर्स लेने होते थे, अब तो ऑनलाइन है तो आप करंट जिसमें भी अभी रह रहे हैं यूनिवर्सिटी में है तो उसमें लिखते हैं, ठीक है, या फिर अपना होम सिटी का लिखते हैं। उसके बाद होम विलेज होम टाउन में आपने वो लिखना है, देन हाउस होल्ड इनकम, तो ये जितनी भी लिखने, ठीक है, डजंट मैटर, वो सिर्फ जो है वो एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं आपसे। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट, तो रिजवान साजिद जो हैं ये मेरे ही बैच के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो देन आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये आएगा यूनिवर्सिटी नेम वगैरह जो भी होगा आपका, ठीक है। अगर ये वाली यूनिवर्सिटी नहीं है आपकी, सिंपली अदर पर क्लिक करें, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, और अगर है तो जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो देन आपके पास होगा कि आपने अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने, कोई भी हो जो भी होगा वो आपने लिख देना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपकी डिग्री कौन सी है, बैचलर्स 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, मास्टर्स है, PhD है, जो भी है। देन आपने यहाँ पे सेमेस्टर चूज़ करना है, ठीक है, तो जो भी है आपका, अगर आपके 5 ईयर्स है तो उसका 9th और 10th भी होगा। देन यहाँ पे आपको लिखना है अपना डिपार्टमेंट, अगर आपका डिपार्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे आप अपना जो है डिपार्टमेंट ही लिखना है आपको यहाँ पे। अब जिस तरह मैं हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में से, तो वहाँ पे ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह हेलिकॉलेज है, ठीक है, IBA है, IES है, मेटलर्जी है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना नाम है, सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज है, कॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज है, ठीक है। तो जो भी नाम होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एस्टिमेटेड जो भी आपकी डिग्री की कम्प्लीशन डेट होगी, जिस तरह मैं यहाँ पे ये चूज कर लेता हूँ, ठीक है। देना आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट कर देना है।
बहुत इजी है, ठीक है। देन डिड एनी एनिमल फेलो इंक्वायरी यू टू अप्लाई, तो यहाँ पे आप जरूर लिखें, ठीक है। मेरा नाम लिखते हैं मोहम्मद उस्मान, और यहाँ पे आप लिखते हैं बैच 94, क्योंकि मेरा बैच 94 था, बैच 94, 94, ठीक है। उसके बाद है कि इफ यू अप्लाइड बिफोर, अगर पहले अप्लाई किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो सिंपली इसको आप कर दें नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। देन आपने ये करना है कि ये सिंपल चीजें, कुछ चीजें, ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें इसमें ज्यादा जो है वो जरूर नहीं है, ठीक है। तो जैसे आई वुड लाइक टू परस्यू अनदर डिग्री बिफोर स्टार्टिंग माई प्रोफेशनल डिग्री, या फिर जो भी आपके रेलिवेंट हो, ठीक है, वो आप चूज कर सकते हैं। जैसा मोमिना नईम है, ये भी मेरे बैच की थी, ठीक है। और देन आपको सिंपल क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ इन लोगों ने लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन वगैरह। देन यहाँ पे क्या, व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक फॉर यू, ठीक है। आपने ये बताने के सक्सेस एक्चुअली आपके नजरिए में सक्सेस क्या है, ठीक है। और फिर आप अपने आप को 3 या 5 सालों में कहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके जो भी ड्रीम्स हो आप उसके मतलब लिख लिख लें कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, अमल फेलोशिप में जाऊंगा, अमल फेलोशिप का जिक्र जरूर करें, अमल फेलोशिप से ये सीखूंगा, देन मैं यहाँ पे जॉब, अगर आपकी कोई जॉब है तो वहां पे जाऊंगा, ठीक है। अगर आप स्कॉलरशिप पे जाना चाह रहे हैं तो मैं स्कॉलरशिप पे जाऊंगा, ठीक है, ग्रेड पे जाऊंगा, या फिर जो भी है उस ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे आके विद COVID-19 द इकोनॉमी हैज सफर्ड एंड देयर फ्यूअर जॉब्स, आर यू कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर, योर फैमिली वेलबींग, इमोशनल फाइनेंशियल एज अ रिजल्ट ऑफ पेंडेमिक, प्लीज राइट हाउ द सिचुएशन हैज अफेक्टेड यू एंड योर प्लान्स। तो आप यहाँ पे बता दें अपना, आपका जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि आपके मुताबिक आपको सफ़र किया है पेंडेमिक ने या COVID-19 ने कि नहीं किया, आपके ख्याल में जो है वो आपका पर्सनल जो एक्सपीरियंस होगा, आपका पर्सनल इस पे जो भी आप सोच रहे हैं पर्सनली, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि वाई शुड यू अप्लाई फॉर फेलोशिप, करियर प्रेप फेलोशिप, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये मोस्टली हर जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे उसका यही होता है कि आप यहाँ पे क्यों सिलेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। आप जो हैं आपके गोल्स, जिसना यूग्रेड में भी यही था, ठीक है, बाकी जो जिसना अभी ICYF में जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि आपको कैसे ये हेल्प आउट करेगा आपके ड्रीम्स को अचीव करने में, ठीक है, आप कौन सी स्किल्स को डिवेल्प करेंगे, वो स्किल्स कैसी आपकी जो है ना वो हेल्प आउट करेंगी, तो वो ये सारी चीज़ें लिखनी है आपने सिंपली, ठीक है। देन आपने करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या होगा, रिकमेंडेशन फॉर्म है, ठीक है। रिकमेंडेशन फॉर्म अगर आप है भी, अगर है तो ठीक है, ठीक है, अगर रिकमेंडेशन फॉर्म आप लोग नहीं करवाते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं करवाएंगे तो इससे ये नहीं होगा कि आपके जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है, चांसेस आपके उतने ही होंगे। अब अगर हम इसको भी देख लेंगे कि अगर है क्या ये चीज़ एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भूला हुआ है इसका, लेकिन आई थिंक तो ये किसी कॉलेज के प्रोफेसर से करवाना होता है, तो ये सिंपली, हाँ, ये सिंपली आपको जो है प्रोफेसर को सेंड करना है, प्रोफेसर जो है वो आपकी ये सारा कुछ नाम वगैरह लिख के वो खुद ही फिल आउट करके सेंड कर देगा, ठीक है। अब ये जिस तरह ये भी मेरा बैच है, ठीक है, तो मेरा बैच काफ़ी फेमस हुआ हुआ है मेरे ख्याल से अमल में। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि 2003, तो आपने यहाँ पे सिंपली आई अंडरस्टैंड 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 अंडरस्टैंड, ठीक है। और देन आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट कर देना है, ठीक है। और सबमिट करने के बाद आप लोगों ने फिर वेट करना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आती हैं आपको, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको एक इंटरव्यू कॉल आती है, ठीक है, मोबाइल पे ही आपका एक इंटरव्यू होता है, ठीक है, जो कि अमल के स्टूडेंट्स, या अमल के स्टूडेंट्स तो नहीं, एक्चुअली अमल के जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं या जो रेलिवेंट जो भी होगा वो इंटरव्यू लेता है। बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, मतलब कि आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप कमिटमेंट वो देखते हैं मोस्टली, ठीक है, आप कमिटेड हैं कि नहीं है। तो बाकी जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जरूर जरूर अप्लाई करें इसके लिए, ठीक है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि इस पे जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसके बाद में भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, और जो आपको
सर्टिफिकेट मिलता है, उसके ऊपर स्टैनफोर्ड का भी लोगो होता है, देन आपके पास पेप्सिको का लोगो होता है, देन अमल का लोगो होता है, तो उस ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा फ्यूचर में। तो इसके रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना चाह रहे हैं ठीक है तो आप पूछ सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और अभी भी कुछ डेज बिजी ही रहूँगा मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप कहूँगी जो भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।